सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के सामने है मारुति सुजुकी की अर्टिगा एंड इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी एसेसरीज लगने वाली हैं। तो अर्पण भैया हमारे साथ में, कैसे हैं अर्पण भैया? बढ़िया हूँ भैया। क्या क्या होने वाला है गाड़ी में? आज गाड़ी जो है पूरी मॉडिफाइड हो रही है। जैसे कि हम आपको फ्रंट से दिखाएं तो फ्रंट में यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं फॉगलैम की DRL नहीं है, फॉगलैम की DRL लगेगी। हेडलाइट के ऊपर DRL नहीं है, हेडलाइट के ऊपर DRL लगेगी। इसी के साथ ही और आगे चलते हैं अपन गाड़ी में। आप ऊपर देख रहे हैं गोफार का कैरियर लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं पूरा। और जो कलर आता है गाड़ी का सेम उसी कलर में रहता है ये। तो ये जो है रूफ रेल्स की जगह पे ही लगता है पूरा, रूफ रेल इस पर नहीं आती है पहले भी, तो रूफ रेल्स ना लगाते हुए ये लगा देते हैं। रूफ रेल प्लस ये कैरियर दोनों का काम करता है आपका। साथ ही में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं ये 10 पीस में विंडो गार्निश लगी है पीछे तक जाती है जो कि। इसी के साथ ही 6 पीस में यहाँ पे जो है रेन वाइजर भी लगाया हुआ है इसी के अंदर ही। और नीचे आप देखेंगे साइड क्लैडिंग लगी हुई है पूरी अर्टिगा की, बैजिंग उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी। डीडी की डैम्पिंग होने वाली है यहाँ से, ये जो है इसको निकाल के डीडी की डैम्पिंग करेंगे। अंदर आप देख रहे हैं पूरी सीटें अंदर जो ओपन कर रखी हैं तो सीट कवर चढ़ रहे हैं उस टाइप के कुछ सीट कवर इसके अंदर जो है अभी इंस्टॉल होने वाले हैं। नीचे 70 मैट लगाएंगे, यहाँ पे जो है स्टेरिंग रैप करेंगे। तो ये सब काम इस गाड़ी के अंदर अभी होने वाले हैं। तो चलिए अब आपको वन बाय वन हम दिखाते हैं। जैसे कि अर्पण भैया ने बताया है कि यहाँ पर DRLs लगने वाली हैं, तो ये देखिए आप DRLs यहाँ पर फिट हो रही हैं और इसमें हेडलाइट वगैरह ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली हेडलाइट के ऊपर ही लग जाती है DRLs एंड इसके अंदर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड दोनों साइड में ये लग रही है तो नाइट टाइम में काफ़ी अच्छी लगती है। इसी के साथ में ना ये जो नॉर्मली आपको ये यूनिट मिलता है ना फॉगलैम के ऊपर का, ये पूरा निकलने वाला है एंड इसके अंदर में लगने वाली है DRLs। ये DRLs इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी तो ये पूरी कवरिंग निकालेंगे एंड इसके बाद में ये यूनिट लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो लुक्स यहाँ पर बहुत बढ़िया आने वाले हैं एट द एंड। जैसे ही हम इग्निशन को पुश करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस टाइप से इसका स्टार्टिंग मोड रहता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड इसके अंदर आपको इंडिकेटर भी मिलते हैं सिक्वेंशियल में, तो वो भी हम आपको चेक कराएंगे। अभी आप ये चेक कर सकते हो, यहाँ भी आपको ये वाइट लाइट मिलती है ऊपर एंड नीचे भी आपको ये प्योर वाइट लाइट मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे ही हम इंडिकेटर पर स्विच करते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर का मोड मिलता है, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देखो सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं, नीचे भी आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड कुछ इस टाइप से जो पूरी प्रोफाइल है वो गाड़ी की नज़र आती है जैसे ही आप हज़ार्ड स्विच या फिर इंडिकेटर देंगे तो। तो अब यहाँ पर गाड़ी के अंदर मेजर काम तो हो चुका है, लाइक डैम्पिंग आप देख सकते हैं डैम्पिंग हो चुकी है, क्रोम आइटम्स भी लग चुके हैं, DRLs वगैरह की फिटमेंट हो चुकी है, साथ में सीट कवर्स भी हो चुके हैं। बट यहाँ पर काम और ज़्यादा बढ़ चुका है गाड़ी के अंदर। एंड्रॉयड अब यहाँ पर लगने वाला है, जो आपको टॉप मॉडल में मिलता है ना स्टीरियो, ये पूरा ऑनर चेंज करवाने वाले हैं। एंड साथ में एम्बिएंट लाइट की फिटिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए पहली वीडियो ये अपने चैनल पर रहने वाली है जिसमें अर्टिगा के अंदर K4 सिम्फनी लगने वाली है। एंड नीचे देखिए ये एलिमेंट भी स्टार्ट हो चुका है लाइट का, तो अभी यहाँ पर पूरी फिटमेंट हो जाने देते हैं एंड देन आपको आउटपुट दिखाएंगे हम। बहुत प्यारा आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर फ्रंट से पूरा वर्क डन हो चुका है एंड आपने देखा DRLs काफ़ी अच्छी लग रही हैं। इसी के साथ में जो क्रोम एलिमेंट है वो भी यहाँ पर लगा दिया है। साइड से सबसे पहले आप देखिए गोफार का कैरियर है एमटेक ब्रांड का एंड यहाँ पर आप अपना इजीली लगेज वगैरह रख सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी CNG वेरियंट है। पीछे आपको सिलेंडर मिलता है बड़ा सा, तो लगेज वगैरह थोड़ा सा कम आपको पीछे रखने का स्टोरेज मिलता है। तो यहाँ पर कैरियर लगा दिया जिसमें आप अपना लगेज इजीली कैरी कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया है ये। पीछे से जो स्पॉइलर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जो इसका कलर है सेम एज इट इज़ जो कलर मैच है वो यहाँ पर किया हुआ है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में जो क्रोम एलिमेंट है वो पीछे भी लगाया हुआ है, ये आप चेक करो। टेल लाइट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेयर के लिए रेयर गार्ड लगाया हुआ है, हालांकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, चालान वगैरह इस पर होते हैं। अब चलते हैं फ्रंट रो सीट्स में। तो यहाँ पर आप देखो ये आपको थोड़ा सा अमेजिंग लुक देने वाला है डोर, क्योंकि अर्टिगा के अंदर अगर आप कंपनी से भी टॉप एंड लेते हो ना तो ये एम्बिएंट लाइट आपको नहीं मिलती है। हालांकि जगह आपको प्रॉपर मिलती है बट कंपनी नहीं देती है, बट हमने उस चीज़ को फुलफिल किया है। यहाँ पर आप देखिए ये ऐप कंट्रोल्ड है गाड़ी K4 सीरीज़ की एम्बिएंट लाइट है जो काफ़ी अच्छी लगती है। पीछे के डोर्स पे भी आपको सेम एज इट इज़ यही लाइटिंग एलिमेंट देखने को मिलता है जो बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर भी आपको ये लाइटिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा। साथ में अर्टिगा की स्कफ प्लेट है जो कि आपको ब्लू एम्बियंस के साथ में मिलेगी एंड दोनों का एम्बियंस हमने मैच करके रखा हुआ है। नॉर्मली आपको हेलोजन लाइट्स मिलती हैं तो यहाँ पर व्हाइट लाइट अपग्रेड कर दी है जिससे ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी आ रही है। सीट कवर्स यहाँ पर लेदर अपॉस्ट्री में अपग्रेड हुए हैं, ये आप चेक करो। प्रॉपर फिटिंग्स हुई हैं, 70 मैटिंग्स अपग्रेड हुई हैं। सेकंड रो स्पेस की अगर बात करें तो ये सेकंड रो सीट्स हैं। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है तो ये आप आर्मरेस्ट भी चेक कर सकते हो, प्रॉपर फिटमेंट में आया है। यहाँ पर आपको अर्टिगा की स्कफ प्लेट मिल जाती है, ये आप चेक करिए। कोई भी स्क्रैचेस इसमें नहीं है, बिल्कुल मिरर फिनिश आपको देखने को मिलती है। जस्ट फिल्म चढ़ी हुई है, ये यहाँ पर ऊपर पन्नी चढ़ी है,
इसी के साथ में 70 मैट्स आप चेक करो, मॉडेस्टो की 70 मैट है, बेज कलर में है, ऊपर आपको ये मैगी पैटर्न देखने को मिल जाता है, ग्रिपिंग पैड्स आपको मिलते हैं, फ्रंट सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, साथ में क्रिस क्रॉस पैटर्न बीच में यूज़ किया है, सीट अपोस्ट्री आप देख सकते हैं, प्रॉपर बकेट फिनिश है, की जो आपको मिलती है ना उसको और ज़्यादा यूनिक कर दिया है की कवर लगा के, यहाँ देख सकते हैं लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, डैशबोर्ड पर आप चेक करो ये एम्बियंट लाइट थ्रू आउट द डैशबोर्ड जाती है, यहाँ पर भी आपको सेम एज इट इज एलिमेंट मिलता है, जो मेन स्टीरियो सिस्टम है वो यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है एंड टच रिस्पॉन्स बहुत स्मूद है, बहुत स्मूद है, इसका फीचर्स वगैरह तो आपको सारे मिलते हैं, YouTube मिल जाता है, प्ले स्टोर वगैरह मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील के जो कंट्रोल्स हैं वो भी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, लाइक देखिए माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, मोड्स वगैरह कॉल एक्सेप्ट कॉल रिजेक्ट वगैरह हो जाता है इजीली, साथ में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है टी लिंक 5। अब यहाँ पर मैं आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको ड्यूल DVR मिलता है, जस्ट हमने इस पर क्लिक कर दिया है, ये देखो फ्रंट के लिए भी जो पूरा एक्सेस है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे मिल जाता है, रिवर्स का जो कैमरा है वो भी यहाँ पर आपको बता रहा है, एंड जैसे ही आप सिंगल प्रेस करेंगे तो ये जो स्क्रीन है ये और बड़ी हो जाएगी, मतलब जो सामने हो रहा है ना वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर नज़र आएगा, एंड इसको आप इजीली रिकॉर्ड वगैरह भी कर सकते हैं, एंड जैसे ही आपने इसको प्रेस किया तो ये आपको दोनों स्क्रीन पीछे की और आगे की व्यू दिखाएगा, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये आपको पीछे का जो बैक में रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर दिखाने लगेगा पीछे क्या हो रहा है, तो ऑन द गो आप ये चीज़ भी देख सकते हो, और ये सिस्टम की एक कमाल की बात है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, तो ये सिस्टम आप ज़रूर अपनी गाड़ी के अंदर लगवा सकते हो। कैमरा यहाँ पर आप देखो ये लगा हुआ है, ये फ्रंट कैमरा एंड पीछे का कैमरा पीछे लगा हुआ है, और एम्बियंस तो बहुत प्यारा आ रहा है, आदि योगी जी के आइडियल रखे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं परफ्यूम रखा हुआ है, एंड अब आपको मैं जो एम्बियंट लाइट है वो चेक कराता हूँ, ये चेक करो आप, बहुत ही गजब का एम्बियंस आता है, मुझे इस टाइप से स्टार्ट होती है, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा एलिमेंट आता है, इसके अंदर आपको डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, 64 कलर एम्बियंस आपको इसके अंदर मिल जाती है, जिसमें आप ये जो लाइटिंग एलिमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन है एंड इजीली आप इसके थ्रू जो कलर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सिम्फनी मोड मिलते हैं जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसके अंदर में रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए सिम्फनी मोड है जिसमें डिफरेंट कलर्स यहाँ पर ट्रैवलिंग मोड में आ रहे हैं, और इसके अंदर 200 मोड्स रहते हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें आप अलग अलग तरीके से जो कलर ट्यूनिंग है वो कर सकते हैं, ये चेक करिए आप, ये अलग तरीके से जो कलर्स हैं वो फॉर्म होंगे, यहाँ पर आप चेक करो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और डेफिनेटली इसको आप अपनी गाड़ी के अंदर अपग्रेड कराओगे तो बहुत ही अमेजिंग फील आने वाली है, एंड टोटल आपको जो पीछे भी पीसेस मिलते हैं वो कुछ इस टाइप से मिलते हैं, 2 पीसेस पीछे लग जाते हैं, 2 पीसेस डोर पर लगते हैं एंड 2 पीसेस आपके डैशबोर्ड पर लगते हैं। तो हमारे भैया हमारे साथ में जिन्होंने अर्टिगा के अंदर काम करवाया है, तो भैया कैसा एक्सपीरियंस रहा थोड़ा सा आप बताइए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आज अर्टिगा में काफ़ी काम हुआ है, जैसे गोफार का रूफलेस वगैरह लगाया, एलईडी लाइट जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट थी एलईडी लाइट मिली है, काफ़ी कलर्स उसमें आए हैं, और एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ हमारी गाड़ी में कुछ कवर्स ऐड किए गए हैं, और एक टच स्क्रीन लगवाया गया है 9 इंच के अराउंड है, वो भी है विद ड्यूल कैमरा है जिसमें फ्रंट में और बैक में कैमरा है, DVR के साथ है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी देखने के लिए मिली है, इन लोगों का जो एटमोसफियर है और व्यवहार है वो सब कुछ अच्छा एडजस्टमेंट लगा है, बाकी सब कोऑपरेटिव नेचर के लोग हैं, आप लोग भी यहाँ पर आकर इनसे काम करवाइए, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा काम? अच्छा लगा जी, सजेस्ट करेंगे आना? बिल्कुल बिल्कुल सजेस्ट करेंगे, जो भी आए बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, आकर इनसे जरूर मिलिएगा। थैंक यू वेरी मच, इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।